हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू हिंदी पार्ट 7, मेरा घर कविता। तो पहले हम एक स्टोरी बेस में इसे पढ़ेंगे। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि माँ से घर बनता है। नाउ लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ इन दिस कविता। मुझको ऊंची मिले हवेली, मतलब यहाँ पर जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि मुझे चाहे बहुत ऊंची हवेली मिल जाए। हवेली का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा और पक्का मकान, ठीक है। तो लड़का क्या कह रहा है कि मुझे चाहे ऊंची हवेली मिल जाए या मिल जाए राजमहल। राजमहल मतलब क्या होता है, राजा का महल। तो लड़का क्या कह रहा है, मुझे चाहे हवेली मिल जाए चाहे मुझे राजमहल मिल जाए, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। छप्पर की कुटिया यानी कि छांव, छप्पर मतलब होता है छांव और कुटिया यानी होता है छोटी सी झोपड़ी। छांव की झोपड़ी हो चाहे, ठीक है, यानी कि छोटी सी झोपड़ी हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। और इसका मतलब क्या होगा, शीतल का मतलब होता है ठंडी, चाहे पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया हो। मुझको ऊंची मिले हवेली या फिर मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। तो लड़का कह रहा है मुझे चाहे ऊंची हवेली मिल जाए चाहे मुझे राजमहल मिल जाए, चाहे मुझे छोटी सी कुटिया मिल जाए या चाहे मुझे पेड़ के नीचे ठंडी छाया मिल जाए, मेरे घर ये नहीं बनेगा। अगर ये सब चीज़ें भी हैं तब भी ये मेरा घर नहीं बनेंगे। चाहे हो कितने सुंदर, चाहे कितने भी सुंदर मकान क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे घर नहीं बनेंगे। मेरी माँ जिस जगह रहेगी, लड़का क्या कह रहा है, जहाँ पर मेरी माँ रहेगी, जहाँ पर मेरी मम्मी रहेंगी वह बनेगा मेरा घर, वही सिर्फ मेरा घर बनेगा। मेरा घर यह नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वह बनेगा मेरा घर। सो डियर किड्स, लाइक दिस यू हैव टू रीड दिस पोयम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।